अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 10 जो है अबाउट जेनेटिक्स जो कंटिन्यू है, उसका टॉपिक एफ जो है वो है अबाउट जेनेटिक कोड, के व्हाट इज़ जेनेटिक कोड। याद रखें कि इसे हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक कोड से। इसमें हम जो है सारा जो कोड्स हैं उसको हम डिस्कस भी करेंगे, एक जो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट कोड्स का उसको हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि व्हाट इज़ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स। थ्री न्यूक्लियोटाइड्स का ये कॉम्बिनेशन है, और ये जो थ्री न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है इसको हम नाम देते हैं कोडोन का, ठीक है, यानी कोडोन। अब जो कोडोन है इसकी भी आगे से टाइप्स होती हैं, एक होता है स्टार्टिंग कोडोन, ठीक है, और कुछ होते हैं स्टॉप कोडोन। क्लियर। स्टार्टिंग कोडोन वो होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट, और जो स्टॉप कोडोन होते हैं इनको हम कहते हैं नॉन सेंस कोडोन। नॉन सेंस क्यों? क्योंकि ये फर्दर आगे जो रिएक्शन चल रहा होता है उसको स्टॉप कर देते हैं। क्लियर। इनकी एडिशन जो होती है वो फर्दर आगे अमीनो एसिड्स की जो एडिशन है उसको स्टॉप कर देते हैं। क्लियर। अब जो कोडोन होता है ये हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। जो कोडोन है ये हर अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। क्लियर। तो इसमें टाइप्स मैंने आपको बता दी, इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर। अब अगर तो हम देखें कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स करें तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। क्यों वाला? क्योंकि हमारे पास 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स को डेवलप करते हैं, जिनसे डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं वो बनती हैं। तो ये 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स के लिए जो थ्री न्यूक्लियोटाइड्स का जो कोड है वही सफिशिएंट है, और इसके अलावा इनके कॉम्बिनेशन से अगर हम देखें तो हमारे पास 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 64 कोड्स हमारे पास जो हैं ये कोडोन बनते हैं, 64 कोडोन्स हमारे पास जो हैं ये बनते हैं डिफरेंट जो कोडोन है इनकी कॉम्बिनेशन से। क्लियर। या लाइक जैसे कि थ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट आगे कॉम्बिनेशंस होंगी, तो उनसे 64 हमारे पास जो है वो कोडोन जो है वो बनेंगे। लाइक जैसे कि विद 4 डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जीसीटी एंड ए ओनली 4 की जो पावर 2 है, तो उसको अगर हम करें तो 16 आता है, तो जो कि अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो सेम न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी अरेंज इन 4 की पावर 3 और 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 मोर देन इनफ टू कोड फॉर द 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है। लाइक जैसे कि अपने एक निचले पैराग्राफ में साइंटिस्ट के नेम्स हैं उनको डिस्कस करें, जैसे कि आफ्टर क्रिक्स इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स मार्शल नरेनबर्ग फ्लिप लीडर एंड हार गोबिन खुराना टेस्टेड ऑल द 64 कोडोन्स बाय मेकिंग आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनएस एंड ट्रिपलेट कोडोन्स एंड यूजिंग देम टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन और अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्सेस इन सेल फ्री सिस्टम। तो ये जो जेनेटिक कोड है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम थ्री लेटर्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर। हमारे पास एक जो मेन यानी कि जो कॉम्बिनेशन है जो वो होता है UCAG, यूरासिल साइटोसिन और एडिनिन और गोनोसिन। ठीक है जी। लाइक फर्स्ट लेटर अभी इसको ड्रा करते हैं, जो हमारा जेनेटिक कोड है, कॉम्बिनेशन है जो इसका, तो फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या होगा? UCANG। क्लियर। ये तो एक हमारे पास रो आ जाती है। इस तरफ हम लिखेंगे सेकंड लेटर, ठीक है, सेकंड लेटर हमारे पास क्या होगा? UCA और G। क्लियर। ये फोर ही बेसिस हमारे पास चलेंगी। इस तरफ आ जाएगा हमारा थर्ड लेटर वो है UCA और G। क्लियर। इस तरह से आप इसको बॉक्स में क्लियर कर लें।
लाइक यू, इस तरह से एंड दिस वन, क्लियर। तो सेम एज इट इज यहां पे इस तरह से, क्लियर। तो इसे अब आप अगर देखें तो हमारे पास जो इनकी कॉम्बिनेशन होगी, तो उस कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो फर्स्ट लेटर हमारे पास है वो यू है, ठीक है। सेकेंड लेटर हमारे पास क्या है, यू। थर्ड लेटर हमारे पास क्या है यहां पर, यू, क्लियर। यह हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया इसका। इसी तरह से हम फिर फर्स्ट लेटर को देखेंगे, हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या है, यू। सेकेंड लेटर हमारे पास क्या है, यू यहां पर, और थर्ड लेटर हमारे पास क्या है यहां पर, सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी, क्लियर। इस तरह से फिर हम देखेंगे हमारे पास फर्स्ट लेटर यहां क्या है, यू। सेकेंड लेटर देखेंगे यू, और थर्ड लेटर हम देखेंगे तुम्हारे पास क्या है, ए। इस तरह से फिर फर्स्ट लेटर यू, यू, सेकेंड लेटर, और फोर्थ लेटर हमारे पास आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास जो है एक कॉम्बिनेशन इसका बन गया, ठीक है जी, जिसमें हमने फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर को देखते हुए ये फोर जो है इसका कॉम्बिनेशन बना लिया। अब आप अगर देखें तो आपके पास ये फोर आगे इसके यानी कि कोडॉन्स, ठीक है, और हर कोडॉन में कितनी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, थ्री। तो फोर की पावर थ्री जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 64 के। तो आपके पास इसका मतलब है 64 इसके जो है वो बनेंगे, ठीक है, आपके डिफरेंट कोडॉन्स। सेम इसी तरह से अब अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर जो है फर्स्ट लेटर क्या है, यू, ठीक है। सेकेंड लेटर आपके पास क्या है, सी, और थर्ड लेटर आपके पास क्या है, यू। इसी तरह से फर्स्ट लेटर आपके पास है यू, सेकेंड लेटर आपके पास है सी, थर्ड लेटर आपके पास क्या है, सी, ठीक है जी। सेम इस तरह से फर्स्ट लेटर आपके पास है यू, सेकेंड लेटर आपके पास है सी, और थर्ड लेटर आपके पास है ए। देन फर्स्ट लेटर आपके पास है यू, सेकेंड लेटर आपके पास है सी, और थर्ड लेटर, फोर्थ, थर्ड लेटर जो है आपके पास क्या है, जी, क्लियर। तो ये अभी आपके पास फोर कोडोन्स आ गए जिसमें थ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं ईच में। सेम इस तरह से आप इस बॉक्स को फिल करेंगे, फर्स्ट लेटर आपके पास है यू, सेकेंड लेटर है आपके पास ए, और थर्ड लेटर आपके पास है यू। सेम इस तरह से फर्स्ट लेटर आपके पास यू, सेकेंड लेटर ए, और थर्ड लेटर हम लेंगे ए को, सी को, ठीक है जी। फर्स्ट लेटर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास यू आएगा, सेकेंड लेटर ए, और थर्ड लेटर अब आपके पास आ जाएगा ए, क्लियर। इस तरह से फर्स्ट लेटर आपके पास यहाँ पे है यू, और सेकेंड लेटर आपके पास है ए, और थर्ड लेटर आपके पास आ जाएगा जी। तो ये भी आपके पास फोर कोडॉन्स आ गए, और एवरी कोडॉन कंटेन थ्री न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इस पोर्शन में, तो फर्स्ट कोडॉन आपके पास है, फर्स्ट आपके पास जो है वो है यू, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर आपके पास है जी, और थर्ड है आपके पास यू। सेम इस तरह से फर्स्ट आपके पास है यू, जी और सी, और सेम एज इट इज फर्स्ट आपके पास है यू, सेकेंड है जी, और थर्ड है ए। देन फिर यू, जी, और आपके पास थर्ड लेटर क्या है, जी, क्लियर। तो ये आपके पास जो है फोर कोडोन्स हैं, क्लियर हो गए, और हर कोडोन में आप देख रहे हैं थ्री न्यूक्लियोटाइड्स आपको मिलेंगी। देन अब यहाँ पे आ जाएं, फर्स्ट लेटर आपके पास होगा सी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने बनाए फोर न्यूक्लियोटाइड्स, सेम इस तरह से यहाँ पर भी फोर आपके पास कोडोन्स आएंगे, ठीक है। सेकेंड लेटर आपके पास है यू, तो इसको आप यहाँ पर यू यूज़ कर लें, ठीक है, और सेम एज इट इज़ थर्ड लेटर देख लें, यू सी ए जी। तो ये आ जाएगा यू सी ए एंड जी, क्लियर।
देन आप सेम एज इट इज यहाँ पर देखें तो फर्स्ट लेटर आपके पास आ जाएगा सी वाला, फोर आपके पास सी आ जाएंगे, सेकेंड लेटर आपके पास सी है, ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, क्लियर। देन आपने यहाँ से देखना है कि आपके पास जो थर्ड लेटर है वो कौन सा है, तो वो है यू सी ए जी, तो ये आ जाएगा यू सी ए एंड जी, क्लियर। इसके बाद आप देखें तो हम थर्ड बॉक्स को देखेंगे तो आपका फर्स्ट लेटर है सी, तो ये आपके पास आ जाएगा फोर सी, सेकेंड लेटर आपके पास है ए, तो ये आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास जो थर्ड लेटर है वो सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगे यू, तो सेम इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो है सी वाला, तो हमारे पास फोर इस तरह से आप सी लिख लें, सेकेंड लेटर आपके पास है जी तो जी को यूज़ कर लें, और यू सी ए जी आपके पास थर्ड लेटर ऐसे ही आ जाएगा यू सी ए एंड जी, क्लियर। सेम इस तरह से अब यहाँ पे आप देखें फर्स्ट लेटर आपके पास है ए, क्लियर, और सेकेंड लेटर है आपके पास यू, तो यू इस तरह से, और थर्ड लेटर आपके पास यू सी ए जी इस रो में है यू सी ए और जी, क्लियर। सेम इस तरह से आपके पास फर्स्ट लेटर है ए वाला, सेकेंड लेटर अब आपके पास है सी, और थर्ड लेटर है आपके पास यू सी ए जी, यू सी ए एंड जी, क्लियर। इस तरह से फर्स्ट लेटर फिर आपके पास यहां पर है ए, सेकेंड है आपके पास ए, और थर्ड है आपके पास यू सी ए एंड जी, क्लियर। सेम इस तरह से फर्स्ट लेटर है आपके पास ए, और सेकेंड लेटर है आपके पास जी, और थर्ड लेटर आपके पास यू सी ए एंड जी, क्लियर। सेम इस तरह से आपके पास जो फर्स्ट लेटर है यहां पर वो है जी, ठीक है जी, और सेकेंड लेटर है आपके पास यू, और सेम इस तरह से जो थर्ड लेटर है आपके पास वो है यू सी ए एंड जी, क्लियर। आपके पास फर्स्ट लेटर है यहाँ पर जी इस तरह से, सेकंड अब आपके पास है सी, और थर्ड है आपके पास यू सी ए एंड जी, क्लियर। फर्स्ट लेटर फिर आपके पास जी वाला, क्लियर। सेकंड आपके पास है ए वाला, और थर्ड आपके पास आ जाएंगे यू सी ए एंड जी। सेम इस तरह से फिर फर्स्ट लेटर आपके पास जी, क्लियर, और सेकंड आपके पास जी, और थर्ड आपके पास आ जाएगा यू सी ए एंड जी, क्लियर। तो ये आपके पास 64 कोडोन्स आ गए, ठीक है, जिसमें ये 64 सेट्स आ गए आपके पास कोडोन्स के। तो अगर आप एक बॉक्स में देखें तो आपके पास फोर कोडोन्स अवेलेबल हैं, और हर कोडोन जो उसमें थ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दीज आर द फोर न्यूक्लियोटाइड्स, तो इन फोर न्यूक्लियोटाइड्स ये जो हैं दीज आर द बेसिस, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आप ये देखें तो ये आपके पास एक कोडोन है, और हर कोडोन जो है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए जो है वो स्पेसिफिक होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप बात करें तो फर्स्ट जो है वो है फिनाइल एलानिन, यानी ये वाले जो दो हैं ये है फिनाइल एलानिन के लिए, और जो नीचे वाले दो हैं वो हैं ल्यूसीन के लिए, ठीक है। सेम इस तरह से उसके नीचे जो ये दो हमारे पास ये सारे हैं ये है ल्यूसीन के लिए, ये भी सारे ल्यूसीन के लिए। इसमें जो है हमारे पास ऊपर वाले दो जो हैं वो है आइसोल्यूसीन के लिए, ये वाले जो दो हैं ये हैं हमारे पास मिथियोनिन के लिए। मिथियोनिन जो है ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर ये जो है, क्योंकि ये हर प्रोटीन में जो स्टार्ट करवाते हैं वो इनिशिएट जो करवाते हैं रिएक्शन को वो ये है मिथियोनिन, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास है लास्ट पे ये हमारे पास हैं कोडोन्स वैलिन अमीनो एसिड के लिए, क्लियर। सेम इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास ये जो दो सेट हैं, ये सारे सेट जो हैं ये हैं आपके पास सीरीन के लिए,
ये वाला जो सेट है आपके पास, ये है प्रोलिन के लिए, उससे नीचे वाला ट्रियोनिन के लिए, और उससे नीचे वाला जो है वो एलेनिन के लिए। क्लियर। सेम इस तरह से यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर जो है ऊपर वाले दो जो हैं वो है ट्रायोसिन के लिए, ठीक है, और जो नीचे वाले दो हैं वो आपके पास हैं स्टॉप कोडॉन्स, UAA एंड UAG, दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है जी, स्टॉप कोडॉन्स। क्लियर। तो सेम इस तरह से नीचे आए तो ऊपर वाले दो जो हैं वो हैं आपके पास हिस्टिडीन के लिए, नीचे वाले जो दो हैं वो हैं ग्लूटामेट के लिए, ग्लूटामिन के लिए, और उससे नीचे आ जाएँ तो ये वाले जो दो हैं ये हैं आपके पास एस्पर्जीन के लिए, और उससे नीचे वाले हैं आपके पास लाइसिन के लिए। उससे नीचे आए आप तो ये वाले दो हैं आपके पास एस्पार्टेट के लिए, उससे नीचे वाले दो जो हैं वो ग्लूटामेट के लिए हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ जो है वो आप चलें नेक्स्ट इन दोनों पे, ये दो जो हैं आपके पास सिस्टीन के लिए हैं, इसके बाद जो नीचे वाला UGA वाला है ये जो है ये स्टॉप कोडॉन है, ये जो है ये स्टॉप है, स्टॉप कोडॉन। क्लियर। UGG जो है ये है आपके पास ट्रिप्टोफैन, इससे नीचे जो ये वाले जो है ये सारे हैं आर्जिनिन के लिए, इसमें ये जो दो हैं ये हैं सेरीन के लिए, ये वाले नीचे वाले दो फिर आर्जिनिन के लिए, और नीचे वाले सारे जो हैं वो किसके लिए हैं, ग्लाइसिन के लिए। क्लियर। तो ये आपने एंजाइम जो अमाइनो एसिड्स हैं इनका आपने देखना है कि इसके लिए कौन कौन सा कोड जो है वो अवेलेबल है, ये बात आपसे MCQ में पूछी जा सकती है, और ये जो स्टॉप कोडॉन्स हैं इनके मुतालिक जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपने बताना होता है कि आपको ऑप्शन में 3 या 4 MCQs होते हैं, उनमें एक स्टॉप कोडॉन लिखा होता है और आपने करेक्ट ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। तो ये जो है आपके पास UAA, UAG एंड UGA, दीज आर द 3 स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है जी। इसके अलावा जितने भी ये आपके पास अब ये जो सेट आ गया, जेनेटिक कोड आ गया, ये यूनिवर्सल होता है, हर ऑर्गेनिज्म में जो है ये तकरीबन सेम ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि आपके पास जो है वो AGA, एक आपके पास जो है कोड है, कोडोन है, जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं AGA, ये स्पेसिफिक होता है आर्जिनिन के लिए और पाया जाता है बैक्टीरिया में, और ह्यूमंस में भी यही पाया जाता है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो नीचे अगर हम स्टडी करें तो द स्टडी ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA हाउएवर शोड डैट जेनेटिक कोड इज़ नॉट डैट यूनिवर्सल, ठीक है। फॉर एग्जांपल UGA कोडॉन इज़ नॉर्मली अ स्टॉप कोडॉन, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया इट रीड्स एज ट्रिप्टोफैन, इसको ट्रिप्टोफैन के तौर पर भी रीड किया जाता है। लाइकवाइज AUA वॉज रीड एज मिथियोनिन इंस्टेड ऑफ आइसोल्यूसिन, एंड AGA एंड AGG फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंस्टेड ऑफ आर्जिनिन। क्लियर। तो ये सारे जो है हमें फिर पता चलता है कि दस इट अपीयर्स डैट जेनेटिक कोड इज़ नॉट क्वाइट यूनिवर्सल। तो ये हमारा जो था ये जेनेटिक कोड के मुतालिक जो था बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें यही आपने कोडोन्स और इनके जो सात अमाइनो एसिड्स हैं कि किस अमाइनो एसिड के लिए कौन सा कोडोन जो है वो सफिशेंट है, तो वो आपने जो है वो हर हाल में याद करना है। तो ये हमारा जो यहाँ पर टॉपिक था जेनेटिक कोड के मुतालिक ये क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।